अक्सर हमें कुछ अच्छा सा खाने का मन होता है या कोई हमारे घर में ओकेजन होता है तो हम बस पनीर की सब्जी बना लेते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस रेसिपी को देखने के बाद आप पनीर बनाना भूल जाएंगे और मेरी रेसिपी को जरूर बनाएंगे। ये इतनी लाजवाब और टेस्टी है, तो चलिए जल्दी से आइए देखें मेरी इस रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ये आधा किलो के लगभग मटर लिया है और इसे मैंने धुल लिया है। अब हम इसे पीसेंगे। तो हम इसे पीस ले रहे हैं। हम इसे पीस ले रहे हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल फाइन पीस गया है। मैंने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। तो अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें ये सारे मटर को ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इतने पीसे हुए मटर को बचा लिया है। इसे मैं ग्रेवी में ऐड करूंगी। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी बेसन, एक प्याज बारीक कटा हुआ, ये 1 इंच अदरक है, इसे मैंने कूट लिया था, और ये 2 हरी मिर्च है, इसे भी मैंने कूट लिया था। अब मैं इन सबको मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। ये देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा ही चम्मच मैं ये मीट मसाला इसमें डाल रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चम्मच के लगभग कसूरी मेथी। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब इन सबको मिक्स कर देंगे। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर पानी छोड़ देगा ये। हमें इसको ड्राई ही रखना है। चलिए अब हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। मैंने एक बाउल, इसमें हम 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे। अब इसमें हम ये छोटे छोटे मैंने पीसेस काजू के किए हैं, इसमें ये ऐड करेंगे। ये है थोड़े से किशमिश, ये भी इसमें ऐड करेंगे। और ये थोड़े से है बारीक कटे हुए बादाम। आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला और मिक्स कर देंगे। ये फिलिंग हमारी तैयार है। अब हम मटर के बॉल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मटर के इस पेस्ट में नमक ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार नमक हम इस डाल रहे हैं। अभी मिक्स हो गया अच्छे से। अब हाथों पे थोड़ा तेल लगा के हम इसे लेंगे। इसमें इस तरह से हम बीच में होल बनाएंगे और इस फिलिंग को हम थोड़ी सी इस फिलिंग को हमें इसमें भरना है, बिल्कुल थोड़ी सी। और इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है और फिर एक बॉल बना देना है। देखिए, मैं फिर से करके बताती हूँ। देखिए, मैंने फिर से हाथों में तेल लगा लिया है और इसे लिया इतना थोड़ा सा और इस तरह से होल किया बीच में और थोड़ी सी फिलिंग को हमने इसमें इस तरह से भर दिया और इसे लॉक कर दिया इस तरह से। इससे बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी कोफ्ते बनेंगे हमारे। ये देखिए, ये बन गई। अब मैं सारा बना लूंगी।
तो देखिए मेरे इतने सारे मटर के बॉल्स बन के तैयार हो गए। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। तेल हो गया गर्म, अब इसमें अपने बॉल्स को डालूंगी। एक साथ सारी नहीं डालूंगी, चार चार में डालूंगी, नहीं तो ये टूटने लगेगी। ऊपर से इसे इस तरह से तेल डालते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से पके। बहुत केयरफुली हमें इसे फ्राई करना है। अब ये कोफ्ते हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और कुक भी हो गए हैं, भीतर तक अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने निकाल लिए और बना ले रही हूँ। फिर उसी तरह से हमें ऊपर से तेल डालते हुए इस तरह से इसे फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है, ये भी तैयार है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए इतने कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये अब जल्दी से ग्रेवी बनाते हैं। बस मैंने एक्सेस ऑयल को निकाल दिया है, थोड़ा सा तेल मैंने रहने दिया है। अब ये देखिए ये है कुछ खड़े गर्म मसाले, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का और चार लौंग, थोड़ी सी जावित्री। अब इसमें मैं इन्हें डालूंगी। दो तेज पत्ता मैं डाल रही हूँ, दो प्याज है मैंने इसे मोटा मोटा काट लिया है, ये दो टमाटर है मोटा मोटा मैंने इसे भी काट लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ। ये एक इंच अदरक है इसे मैं डाल रही हूँ और मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़े से कसूरी मेथी। इन सबको हमें भूनना है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, दो हरी मिर्च, अब इसे ढककर कुछ देर तक पकाएंगे। ये देखिए अभी हो गया है, हम गैस बंद कर देंगे और इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये जितने खड़े मसाले हैं हम इन्हें निकाल देंगे। ये देखिए नहीं तो बहुत ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ जाएगा ग्रेवी में। अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छे से पिस चुका है। चलिए ग्रेवी बनाते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा बटर। अब हम इसमें डाल देंगे ये पीसा हुआ मटर जो मैंने बचाया था और इसे भूनेंगे। मटर को अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। अब इसे ढक देंगे। चलिए अब हम इसमें जो मैंने पेस्ट पीसा था वो ऐड करते हैं।
ये देख, और ये थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब इसे ढक के कुछ देर तक पकाएंगे। अब ये ग्रेवी हमारी पक चुकी है। मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था, मैं इनमें अपने कोफ्ते ऐड करूंगी। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है ये। अब मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करूंगी और ये धनिया पत्ता। अब मैं इसे सर्व कर लूंगी। तो तैयार है मेरे यम्मी से मटर मलाई कोफ्ते। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।